ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए। आपको बताएं, एक पंडित जी थे, बहुत चालाक, जबरदस्त, क्या करते थे, तंबाकू खाने की आदत। सर 90% होता है कि तंबाकू खाते हैं लोग। हमारे अवध क्षेत्र के तो जो अच्छे विद्वान हैं वो तंबाकू गुटखा नहीं खाते हैं, लेकिन 90% गांव में ऐसे पंडित जी हैं जो तंबाकू खाते हैं, खूब चालाक। अच्छा, भागवत भी पढ़ते थे। तो समस्या ये हुई कि व्यास पीठ पे बैठ गए, सामने श्रोता बैठे हुए हैं, उनको उसका वो क्या होता, चस्का लगा तंबाकू खाने का। भाई किसी की किसी चीज की आदत लगी तो उसका नशा हो जाता, लेकिन अब उसमें कैसे खाएं, क्योंकि सामने सब बैठे हुए हैं। तो प्लास्टिक की डिब्बी होती, शायद एक तरफ चूना होता है, एक तरफ तंबाकू का होता है, उसको निकाले बगल से और अपना नीचे बैठे हुए हैं, आराम से झूम झूम की कथा हो रही है, हरे राम 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 सीता राम सीता खेती बहुत करवाते हैं, लेकिन हम लोग अपने खेतों की रुधाई किए हुए चारों तरफ से, उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं तार लगवा रहे, इसको जानवर नहीं खाता। बोले ऐसा कि जिसको गधे भी नहीं खाते, जानवर को खाएगा मकड़ा। तो देखिए, जो खाते हैं उनको बुरा लगेगा, लेकिन जो शक्ति है वो कर सकते हैं। आपको इससे कोई लाभ हो, 1% लाभ बता दीजिए, मैं भी खाना शुरू कर दूंगा। कोई लाभ नहीं, 1% लाभ नहीं। तो चालाकी से काम चल रहा, नीचे झूम झूम के कथा हो रही है, आनंद आ रहा है, लेकिन महाराज उसका गर्दा उड़े कैसे, सोचने लगे। सोचते सोचते ध्यान आ गया, ध्यान से सुनिए, बातें मत करें समझ नहीं पाओगे। तो सोचते सोचते ध्यान आया और भगवान के भजन में मन लगा ही लगा है। श्रोता भी बेचारे सब प्रसन्न है, मस्त है, क्या हुआ, बड़ा सुंदर कथा चल रहा हो, मस्ती के साथ झूमते हुए पूरा आनंद ले रहे हैं समाज। लेकिन एक युक्ति आई और मन ही मन विचार किया, सो देखते देखते पंडित जी ने क्या क्या, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय होता है हमारा। तो
विचार कर रहे हैं, कथा चल रही है, आनंद आ रहा है, श्रोता सब प्रसन्न है। एक युक्ति सूझी और देखते देखते क्या कर रहे हैं, मंगल भवन या मंगल जब महाराज उतरे कथा से तो बोला गुरु जी बड़ी अच्छी कथा करते, बड़ा आनंद आता, लेकिन इस बात को बुरा आप ना राम कथा करते हो तो पता नहीं क्यों आपके मुंह से वो लार निकल के गिरता है। राम जब दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर, अरे जब तू जानता है कि अमृत रूपी धारा प्रवाह हो रही है तो थोड़ा लोगों को गिरेगा ही, ये अमृत रूपी धारा अभी तक क्या नहीं है। उसने बोला अच्छा वाला, बोले गंगा जी है, बोले ठीक 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 कोई बात नहीं। घर चला गया, एक पुड़िया बनाया पाउडर का ला करके दूसरे दिन कथा में बैठ गया। कथा शुरू हुई, बैठा हुआ महाराज भजन गाना शुरू किए, जैसे लंबा मुंह खोले ऐसा निशाना लगा के फेंका कि सट जन्म का बोले। अब बोले अरे क्या कर दिया, कर दिया अपना, बोला जाए ना अंदर जाए बाहर जाए छूटे कैसे, बोले ने क्या कर दिया क्या खिला दिया। बोला महाराज नाराज मैं कोई बड़े गरीब परिवार से हूं, मैं समस्या यह हुई कि कुछ दिन पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी हड्डी इलाहाबाद नहीं ले जा पाए आपके मुख में गंगा जी हमारे गाँव में, हमने सोचा यही प्रवाह कर दे वही है। बोले रे भ्रष्ट कर, जो महाराज भगवान के सामने सिर झुका करके बैठ गए।